इस वीडियो में आज हम देखेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम का जो डिफरेंस है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होती है? द कॉम्बाइंड पोर्शन ऑफ द प्लैनेट इन व्हिच ऑल लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि हर वो जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे, चाहे वो लैंड हो, वाटर एंड एटमोसफेयर, ठीक है। एंड द बायोस्फीयर इज द ग्लोबल सम ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि हर इकोसिस्टम मिला के एक बायोस्फीयर होती है, ठीक है। मान लो कि एक बायोस्फीयर है एंड ये छोटे छोटे इकोसिस्टम है, एंड ये छोटे छोटे इकोसिस्टम क्या होती है, इकोसिस्टम मिलके एक बायोस्फीयर क्रिएट करती है। एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ऑल लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, यानी कि अर्थ में हर वो जगह जहाँ पे लाइफ फॉर्म करती है, ऑल लिविंग थिंग्स पाया जाती है, उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। एंड इसका एक्सटेंशन के बारे में बात करें, यानी कि अब तक साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया है कि एटमोस्फियर, यानी कि अर्थ के ऊपर, यानी कि एटमोस्फियर में 8 किलोमीटर तक, एंड अगर आर्ट सरफेस का नीचे के बारे में बात करें, द सरफेस ऑफ द ओशियन, बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन, तो वो क्या है, 11 किलोमीटर, ठीक है। इन आर्ट सरफेस 8 किलोमीटर अबव द आर्ट सरफेस, 2 11 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन, इनके बीच में क्या होती है कि ऑल द लाइफ ऑफ द आर्थ एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये होता है कि बायोस्फीयर। तो इन शॉर्ट हम बायोस्फीयर उसी को कहेंगे, उस चीज को कहेंगे, उस जगह को कहेंगे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है, बायोस्फीयर का जो ब्रॉड डेफिनेशन है, इन सारी चीज़ों अलग से देखेंगे। सिर्फ इस वीडियो में हम बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम का डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ वन अनदर एज वेल एज विथ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इकोसिस्टम क्या है कि एक एरिया एंड डिस्टिंक्ट जोन, सर्टेन जोन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती है, जब इंटरेक्ट करती है उसको हम कहेंगे, जब इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करती है उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। एंड यू कैन डिफाइन ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। एंड इकोसिस्टम का टाइप्स, इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट, इन सारी चीजों अलग से भी देखेंगे हम, ठीक है। सिर्फ इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट का जो डिफरेंस है उसको क्लियर करेंगे। तो देखना, ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ आर कनेक्टेड टू वन अनदर टू फ्रॉम बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर बायोस्फीयर ना नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि लाइफ एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसका किसी को कोई भी जगह को हम बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। तो लाइफ जब एग्जिस्टिंग नहीं करेगा तो बायोस्फीयर नहीं रहेगा, और बायोस्फीयर नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि इकोसिस्टम होने के लिए क्या है कि एक सर्टेन एरिया में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का जो इंटरलेशनशिप वो होना चाहिए। तो अगर लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स है, लिविंग जो थिंग्स है वो नहीं रहेगा तो बायोस्फीयर भी नहीं रहेगा, इकोसिस्टम भी नहीं रहेगा। तो इनका एक क्या इंटर रिलेशनशिप है इन इन दोनों में, ठीक है। एंड इकोसिस्टम कैन बी ह्यूज सच एज सर्टेन फॉरेस्ट। तो हमने इस डेफिनेशन के मदद से अब तक ये मालूम हुआ कि बायोस्फीयर क्या है, एक बॉर्डर कॉन्सेप्ट है जो बड़ा एरिया कवर करता है वर्ल्ड लेवल पे, एक प्लैनेट लेवल पे। एंड इकोसिस्टम क्या है, एक छोटे छोटे रीजन है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हर बार वैसा नहीं होगा कि छोटे छोटे जगह में ही एक इकोसिस्टम कवर करेंगे, एक लार्ज फॉरेस्ट में भी एक इकोसिस्टम होती है, ठीक है। एक लार्ज डिजर्ट एरिया में, एक लार्ज लेक में भी एक इकोसिस्टम होती है, और इट कैन बी स्मॉल, ये छोटे भी होती है, लाइक ए पॉन्ड एंड
रोटिंग लॉग यानी कि वेटलैंड होते हैं ना, उस वेटलैंड एक छोटे वेटलैंड में भी एक इकोसिस्टम होते हैं। अगले हम देखेंगे द बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम का डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस, ठीक है। तो बायोस्फीयर को देखेंगे कि बायोस्फीयर इज द सम ऑफ द टोटल लैंड एयर वाटर ऑफ द। तो हमने पहले डेफिनेशन में देख लिया था कि हर जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो लैंड एयर एंड वाटर, उस सारे चीजों को हम बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। एंड इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी और ए डिस्टिंक्ट जोन कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का जो इंटरेक्शन है एक इन्वायरमेंट में, उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। एंड बायोस्फीयर हैज कंपोनेंट्स लाइक हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड लिथोस्फियर, यानी कि जो लैंड हाइड्रोस्फियर, यानी कि जो वाटर, एटमोस्फियर एयर एंड लिथोस्फियर लैंड। तो इन सारी चीजों इसका जो बायोस्फीयर का क्या है, कॉम्पोनेंट से, क्योंकि इन इन हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एंड लिथोस्फियर में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर हम इकोसिस्टम का कॉम्पोनेंट के बारे में बात करें, तो इकोसिस्टम इंक्लूड द इंटरेक्शन ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ बायोस्फियर इन ए जियोग्राफिकल रीजन। तो बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम में तो एक इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वैसा क्या है कि बायोस्फीयर में जो ऑल द कंपोनेंट्स, बायोस्फीयर में जो सारे कंपोनेंट्स है, वो सारे चीज जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक छोटे छोटे रीजन में, उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर, लिथोस्फियर, इस अलग अलग जगह पे भी क्या होती है कि इकोसिस्टम होती है, ठीक है। एंड बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। हमने पहले कहा था कि ये मान लो कि एक बायोस्फीयर है, तो एक बायोस्फीयर में बहुत सारे ऐसा क्या होती है कि इकोसिस्टम होती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम इज एन डिस्टिंक्ट जोन विद इन द बायोस्फीयर। तो एक बायोस्फीयर में क्या होती है, इकोसिस्टम के एक डिस्टिंक्ट जोन होती है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन। वही था आज का वीडियो जो हमने डिस्कवर किया बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम का डिफरेंसेस। मिलते हैं पहले वीडियो में, थैंक यू।